पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, क्या बतला रहे हैं कि ये जो स्थूल देह अन्नमय कोश है ये आत्मा नहीं हो सकता, ये बतला दी। उसके पश्चात ये वायु का विकार रूप गमनागमन स्वभाव वाला समस्त प्रवृत्ति कर्म का हेतु ये जो अपने इष्ट अनिष्ट या स्वयं को अन्य को न जानने वाला ये जो प्राणमय कोश है ये भी आत्मा नहीं हो सकता, ये भी आत्मा नहीं है। उसके पश्चात बतला रहे हैं मनोमय कोश, तो प्रथम इसका स्वरूप बतलाया। क्या बतलाया है कि ज्ञानेन्द्रियों सहित ये जो मन है ये मनोमय कोश कहलाता है, और ये जो है अहम मम मैं मेरे आदि समस्त विकल्पों का हेतु है। तू तेरे, यह वह है, यहाँ वहाँ, ये समस्त विकल्पों का हेतु कौन है? ये मन, ये मन ही है। और समस्त जो भी कल संज्ञा है इसी के द्वारा कलित है, सब के सब क्या है इसके द्वारा ही कल्पित है, कलना की गई है, बड़ा ही बलशाली है ये। इसका जो बल है वो तो बड़ा ही प्रसिद्ध है, हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी आदि भी सब इसकी जो बलवत्ता है उसको स्वीकार करते हैं कि ये बड़ा ही बलशाली है। लेकिन ईश्वर अनुग्रह और गुरु कृपा और स्वयं के निश्चय संकल्प से ये सहज में ही क्या हो जाता है, वश में हो जाता है। गुरु कृपा का बल अवलंबन जिन्होंने दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है तो मन जो है मन मर जाता है, मन उनके सामने अपने से अधिक शक्तिशाली को देख करके है, जैसे कम शक्तिशाली जो पहलवान है वो क्या होता है, वो हत तेज हो जाता है। उसका जो तेज था, तेजस्विता थी, उसकी जो प्रतिष्ठा थी, यश था, हैं, तो सब के सब क्या हो जाते, धूमिल हो जाते हैं क्योंकि उससे बड़ा आ गया है। तो वैसे ही जो है ना गुरुदेव की जो कृपा सन्निधि है तो उनके सामने मन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, संकोच को प्राप्त हो जाता है। और वैसे संसार में तो बड़ा बलवान है कि मैं ये, मैं वो, लेकिन क्या होता है, संकोच हो जाता है ना, संत पुरुषों के सानिध्य में संकुचित हो जाता है, शर्माता है। ऐसा बलवान ये मन है
और अपने से जो पूर्व कोश है उनको व्याप्त करके विराजमान रहता है, जो अन्नमय और प्राणमय कोश है इनको व्याप्त करके विराजमान है। तो ये बात कल बतला दी, आज जो है वो आगे की ज्ञान आप लोग श्रवण कीजिए। 170वां श्लोक पढ़ दिया था क्या ये? हाँ, ये तो पढ़ दिया था। हाँ, बतलाया था क्या, पांच इंद्रिया रूप जो होता है, हैं? जैसे यज्ञ में होता अध्रवयु और उद्गाता आदि होते हैं, जो यज्ञ के भिन्न भिन्न ब्रह्मा जो है वो अलग बैठा होता है, अध्रवयु नहीं बोल पा रहे, अधर्व्यु है। ये क्या होते हैं, यज्ञ के पुरोहित होते हैं, होता है उद्गाता, बहुत जोर जोर से बोलने वाला होता है उच्च स्वर में, अधर्व्यु होता है, और एक जो होता है वो ब्रह्मा होता है। ये जो है चार बैठे रहते हैं, एक देखता रहता है कि यज्ञ की विधि ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, तो बीच बीच में जो है वो उनको समझाता है, बताता है कि भाई ऐसे होना चाहिए। ऐसे जो यज्ञ आदि कर्म कांड है उनका ये क्या होती है, विधियाँ होती है। तो पांच जो इंद्रिया रूपी होता है ये विषय रूपी घृत की आहुतियों के द्वारा इस मन को क्या करते हैं, है? ये जो मनोमय कोश है इसको प्रचीयमान, ये क्या होती है, अग्नि, मन रूपी अग्नि, मनोमय कोश रूपी अग्नि बढ़ती है। और बहुवासनेन्धन ही जाज्वल्यमान, और अनेकों प्रकार की जो वासना रूपी ईंधन है, अनेकों प्रकार की वासना रूपी ईंधन के द्वारा क्या होती है, ये मनोमय अग्नि प्रदीप्त होती है। क्या होती है, प्रज्वलित हो करके ईंधन में, और जो विषय रूपी आहुति दी जाती है उनसे क्या होती है, बढ़ती है। जैसे अग्नि ईंधन में प्रकट हो गई है और फिर उसमें घृत की आहुति डालते हैं तो उससे क्या होती है, वो प्रचंड। तो वासना रूपी तो है ईंधन और विषय रूपी है घृत और मन रूपी है अग्नि, समझ आया? तो विषय रूपी ईंधन में तो क्या होती है, ये प्रकट होती है, है? वासना रूप गड़बड़ हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को स्वयं को नहीं पता होता है कि मैं कह क्या रहा हूँ, या तो असावधानी कहो, बेपरवाही कहो, है? या मस्ती कहो, या यूं ही बुद्धि का स्थूलता भी कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं, वासना रूपी ईंधन जो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है, वासना है, वो क्या है, ईंधन है। तो वहाँ पर ही मनोमय कोश रूपी अग्नि क्या होती है, प्रकट होती है। क्या होती है, प्रकट। ऐसा नहीं है कि अग्नि नहीं है, है पर प्रकट नहीं है, है? जैसे काष्ठ में अग्नि है लेकिन बिना मंथन किए प्रकट नहीं होती है, जब उसका घर्षण करेंगे तब क्या हो जाएगी, अग्नि प्रकट होगी। अग्नि है तभी तो प्रकट होगी, यदि ना होती तो प्रकट कहाँ से होती। वैसे ही ये जो अनेकों जन्म जन्मांतरों की जो वासना है,
ये वासना रूपी ईंधन में ये संकल्प रूपी जो मनोमय अग्नि है ये प्रकट होती है, और फिर इसमें विषय सेवन रूप घृत की आहुति डाली जाए तो ये क्या हो जाता है, ये अग्नि और प्रचंड होती है, मोटी ताजी तकड़ी हो जाती है ना। फिर क्या होती है मनोमय अग्नि, हाँ फिर क्या करती क्या है, जिससे प्रकट होती है उसी को जलाती है, क्या करती है जिससे प्रकट होती है उसी को जलाती है। तो प्रकट किससे हुई है, वासनाओं से है, और वासना का प्रकटीकरण किससे हुआ है, जीवत्व से है ना। तो इस जीव को ही जलाती रहती है ये मनोमय अग्नि, इसके ही काबू में नहीं रहता, वश में नहीं रहता, और धक्के खिलवाता रहता है इसको। निरंतर हृदय में अनेक प्रकार की शोक मोह रूप अग्नि क्या है, धधकती रहती है, और ये बेचारा निरंतर अशांत क्लांत दुखी पीड़ित बना रहता है। तो बताइए ऐसी अग्नि घर में आग लगाई खुद, अब रो करके बैठा हुआ चिल्लाता है कि मैं मर गया, मैं जल गया, मुझे बचाओ बचाओ, घर में आग तो लगाई है, खुद ही आग लगाई। तो वासना रूपी ईंधन में प्रकट होकर और विषय सेवन रूप जो घृत है आहुति डाले जाने से ये जो मनोमय को स्वरूप मन है ये क्या होता है, प्रचीयमान वृद्धि को प्राप्त होता है, प्रचंड होती है ये अग्नि। और फिर क्या है, क्या कहते हैं, ये जो मनोमय अग्नि है प्रपंचम दहती, क्या करती है, इस संपूर्ण जो प्रपंच है उसको दहन करती है, क्या करती है, दहन का अभिप्राय यहाँ पर दहन से नहीं है, सेवन से है ना, जला डालने से अभिप्राय क्या है, जैसे आप भोजन करते हो थाली में क्या है, बहुत भोजन रखा हुआ है, वो भोजन आपने खा लिया तो क्या कर दिया, उसको आपने आत्मसात कर लिया, उसका सेवन कर लिया, उसको हम क्या कह देंगे कि इसने तो सारा का सारा अन्न का क्या कह दिया, जला दिया है, सारे के सारे अन्न को भस्म कर दिया। तो यो मत समझ लेना, क्योंकि अभी बंधन रूपता बतला रहे, मुक्ति की तरफ नहीं बतला रहे, जैसे यहाँ पर अर्थ कर दिया है ये अर्थ गलत है ना, क्योंकि ये अभी मुक्ति की तरफ थोड़ा बतला रहे, अभी तो विस्तार बतला रहे हैं कि किस प्रकार से ये मनोमय कोष का स्वरूप है, कैसे प्रकट होता है और किस प्रकार से विस्तार को प्राप्त होता है ये बतला रहे हैं। कल मैं ये पढ़ करके मैं खुद विचार में पड़ गया कि पता नहीं क्या लिख दिया है, क्योंकि युक्ति तो लगता नहीं है, पूर्वापर का विचार करने से ये बात थोड़ा लगती है ना? ये प्रपंच को क्या कर देता है, इन्होंने लिख दिया है लीन हो जाता है, तो प्रपंच लीन होने का मतलब ये नहीं है कि लीन हो जाता है, यहाँ पर प्रपंच के दहन से अभिप्राय है कि ये मन ही वासना के द्वारा प्रकट होकर विषय रूपी आहुति के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त दृश्य विषयों का क्या करता है, सेवन करता है, उनको जानता है, उनका उपभोग करता है, समझ आया, इसीलिए कल कह रहा था कि वो पुस्तक लाओ आप, चल देखेंगे फिर बाद में क्या लिखा है। तो यहाँ पर दहाती समझ आया, दहाती जलाना, जलाने का मतलब जैसे कोई कहे कि भाई आपने वो जो अन्न है वो जला दिया, तो स्थूल बुद्धि वाले क्या समझेंगे, स्थूल बुद्धि वाले समझेंगे कि इन्होंने भट्टी जलाई और भट्टी जला करके वो जो
अन्न था चावल दाल रोटी, वो उसमें भस्म कर दूँ। ये मतलब थोड़ा है उसका, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है उसका उपभोग कर लिया, उसका सेवन कर लिया है ना, तो वो भी क्या है? वो भी उसको भस्म करना, पचाना ही है, दहन करना है। ठीक है, तो ये समझ लेना। जैसे वो अग्नि में जल गया तो समाप्त तो हो गया, लेकिन वही अन्न आपकी जठराग्नि के द्वारा उसका पाचन होता है, तो वो अन्न क्या देता है? पुष्टि, शरीर को पुष्टि देता है, शक्ति बल प्रदान करता है। तो यहाँ पर वो मतलब न कि इस प्रपंच को विलय कर दिया, विलय कर दिया हो गया ब्रह्म रूप, छोड़ो ना, आगे ये जो मनोमय कोश का विस्तार है और आनंदमय कोश आदि का वर्णन, विज्ञानमय कोश आदि का वर्णन छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, समझ लेना इस बात को। दोबारा बता दें कि अनेकों प्रकार की वासना रूप ईंधन के द्वारा प्रकट होने वाला ये जो मनोमय कोश रूपी अग्नि, ये विषय रूपी घृत की आहुतियों के द्वारा निरंतर क्या होता है? वृद्धि को प्राप्त होती है ये अग्नि। कौन देते हैं जी ये आहुतियाँ? तो बता दिया है ये जो पांच ज्ञानेन्द्रिया रूप जो होता है, हैं, श्रोत्र जो है वो शब्द की आहुति देता है। किसको देता है? इस मन को। मन रूपी अग्नि में क्या लाकर डालेगा? लो जी शब्द लीजिए। मन कहता है वाह कितना सुंदर है, हैं, कितना ही मनोहर है, हैं, आनंद देने वाला है। शब्द दिया श्रोत्र इंद्रिय ने, उसके पश्चात त्वचेंद्रिय ने, त्वगेंद्रिय ने क्या दिया? स्पर्श दिया, बड़ा ही कोमल है, सुकोमल स्पर्श। ये किसको ले जा करके दिया आहुति? ये स्पर्श रूप विषय की आहुति मन रूपी अग्नि में डाल दिया, और मोटा ताजा हो जाता है, हैं, जितना खाता रहेगा उतना क्या होगा? मोटा ताजा हो जाए। उसके पश्चात जो है चक्षुरिंद्रिय ने रूप की क्या की? रूप इस विषय की आहुति दी। मन कहता है वाह कितना सुंदर, कितना मनोहर है, कितना मन भावन है। तो उससे क्या होता है? ये मन रूपी अग्नि और प्रचंड होती, और उसके पश्चात जो रसनेन्द्रिय है उसने क्या किया? खट्टा मीठा है, चटपटा रसीला जो रस दिया, रस की आहुति दी, हैं, मन कहता निहाल है कि जब मुख में गुलाब जामुन रखा तो इतनी एकाग्रता हुई कि अनायास ही आंखें भी बंद हो गया। होती है नहीं होती है? अभी शुगर वालों को क्या पता है? तो क्या होती है? यो मुख में रखा और क्या हो जाती है? इतना एकाग्रता रस का अनुभव होता है कि मन कहता है तू बंद हो जा। तो उस समय ना कुछ देखता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ सूंघता है, ना कुछ स्पर्श करता है, केवल चखता है। होता है नहीं होता है कहीं बार किसी को सुनने में इतना आनंद आ रहा होता है, वो चखता नहीं, सुनने में शब्द में। किसी को स्पर्श में इतना आनंद आ रहा होता है कि उसको कोई शब्द नहीं सुनाई देता, ना रूप आदि की ओर ध्यान जाता है। और जब रूप को इतना सुंदर देख रहा होता है, लुभावन लुब्ध होता है, तब क्या होता है? ना वो शब्द, ना वो स्पर्श अन्य विषयों की ओर दृष्टि भी नहीं डालता है। ऐसे ही जब रसनेन्द्रिय के द्वारा ये मन रस इस विषय का स्वाद लेता है ना, उपभोग करता है, तो सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना सब छोड़ करके कहाँ रहता है? रस, केवल रस लेता है। और गंध, जब घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से गंध इस विषय का सेवन करता है, रस लेता है, तो उसके उस समय क्या होता है? बाकी अन्य चारों विषयों के देखता है क्या? दृष्टि भी डालता है उस तरफ? नहीं डालता है। बड़ी सुगंध है,
बड़ा ही सुनहरे क्या दिव्य गंध है, कैसे मन को लुब्ध करने वाली, यो समाहित कर देने वाली, ऐसा एकाग्र होना। तो इन सब विषय इंद्रियों इंद्रिया रूपी होता के द्वारा मन रूपी अग्नि इन समस्त विषयों का सेवन करके क्या होता है, सुख को अनुभव करता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, मोटा ताजा हो जाता है। अब मोटा तगड़ा हो गया, खिला पिला के तगड़ा कर दिया, अब कहते जी बस में नहीं आ रहा है, क्या किया है, अब ये बस में नहीं आ रहा है, क्या करें, तो उसको चारा डालना बंद कर दो, क्या कर दो, घास देना बंद, आहार बंद कर दो, ठीक है, लंघन कर दो, इसलिए कहते क्या व्रत कर दो, क्या कर दो, हाँ व्रत, व्रत से मतलब केवल अन्न आदि के त्याग से नहीं है, आहार जितने भी है केवल सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। अब आहार तो सात्विक भी है, राजसिक भी है और तामसिक भी है ना। अब सात राजसिक तामसिक करोगे तो उससे क्या होगा, ये मन बलिष्ठ होने के साथ साथ चंचल भी होगा, मनमाना भी होगा, है और ज़्यादा क्या हो जाएगा, हठी भी हो जाएगा, और धर्म कर्म का लंघन तोड़ा तो क्या करेगा, धर्म कर्म के मार्ग को छोड़ के अधर्म के मार्ग पर चलेगा, और जब उसको आहार क्या मिलेगा, सात्विक मिलेगा, है सीमित मिलेगा, सात्विक आहार होगा तो मन क्या होता जाएगा, स्वतः ही है बलवान चाहिए मन भी, लेकिन बलवान जैसे बलवान आदमी है वो जैसे किसी चीज को तोड़ सकता है तो बना भी सकता, तोड़ने के लिए जैसे बल चाहिए तो बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए बल नहीं चाहिए, है तोड़ने के लिए तोड़ेगा तो बलवान, बनाएगा निर्बल, ऐसा निर्बल बना पाएगा, तो वैसे ही आपको मन आपकी संकल्प शक्ति चाहिए, बलवान चाहिए, तभी तो वो क्या कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा, तभी वो विषयों की आसक्ति छोड़ने में समर्थ हो पाएगा। मनोबल वृद्धावस्था में क्षीण होता जाता है, इंद्रिय बल क्षीण हो गया, शरीर बल क्षीण हो गया, तो मनोबल भी क्षीण हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर उत्साह और निश्चय और संकल्प शक्ति क्या होती जाती है, क्षीण होती है। तो त्याग ग्रहण की सामर्थ्य कब होती है, जब बलशाली हो, इसलिए युवावस्था में, क्योंकि शरीर युवा है, इंद्रिया बताया ना कि यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, जब तक इंद्रियों की शक्ति क्या है, प्रतिहत नहीं हुई है, घटी नहीं है, तभी तक आपका मन भी क्या होता है, बलिष्ठ होता है, तो आप इधर बलवान चाहिए मन, इधर भी त्याग के लिए, जैसे राग के लिए क्या चाहिए, जैसे पकड़ने के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए, वैसे छोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, बल चाहिए, बल चाहिए नहीं चाहिए, हाँ बस राजसिक और तामसिक बल तो किसके लिए चाहिए, पकड़ने के लिए चाहिए, और सात्विक बल किसके लिए चाहिए, छोड़ने के लिए, विकारों का त्याग, वासना का त्याग, राग का त्याग, है ना, और ब्रह्मचिंतन करना, सत्संग का सेवन, ज्ञान का विचार, ये कौन कर पाएगा, निर्बल मन कर पाएगा क्या, निर्बल मन नहीं कर पाएगा, चाहिए तो बलवान लेकिन संयत, क्या हो, संयत हो, मर्यादित हो, ऐसा जो मन है वो क्या करने में समर्थ हो सकता है, विषयों के त्याग करने में समर्थ हो सकता है, आसक्ति के त्याग करने में, और अपने आत्मचिंतन करने में समर्थ हो सकता है, और विषय सेवन से तो ये मन बलिष्ठ लगता है लेकिन बेकाबू होता हो जाता है, अपना भी नाश, दूसरे का भी नाश, सर्वनाश, जैसे बैलेंस
गाड़ी का रोड पर चलते बैल वो बिगड़ गया, नियंत्रण गड़बड़ हो गया, स्वयं भी मरेगा और दूसरे को भी मरेगा, तो वही मन की स्थिति जी क्या है, वही मन की स्थिति। हाँ जी, देख लो ये जो मोटा ताजा हो जाता है विषय सेवन करते करते, तो पहले क्या करो, इसको विषय मत दो, मनोनुकूल मन के अनुकूल विषय मत दो। सेवन करने में तो वही लगता है ना जिनको अब तक सेवन करता रहा, इसको सत्संग, इसको सदग्रंथ में लगाओ, इसको जप में लगाओ, इसको ध्यान में लगाओ, इसको सेवा में लगाओ, हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हैं तो वैसे ही वो वासना विकार गलित तो होते जाएंगे और इधर ये रस सुख का अनुभव करने लगेगा, शांत होता चला जाएगा और अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव करने के लिए प्रवृत्त हो जाए, नियुक्त हो जाए। समझ आ रही है, देख लीजिए, समझ आया ना ये बात। तो वैसे ये जो मन रूप मनोमाया अग्नि उत्पत्ति समझ गए, वासना रूपी ईंधन के द्वारा ये उत्पन्न होता है, विषय रूपी घृत की आहुति के द्वारा क्या होता है, बढ़ता है, और इसको दे विषय की आहुति देने वाले कौन है, ये ज्ञानेंद्रिया, ये क्या है, ज्ञानेंद्रिया निरंतर इसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों की आहुति देती रहती है। तो ऐसा ये मनोमय अग्नि प्रचंड प्रदीप्त होकर प्रचंड रूप धारण कर लेता है और दहती प्रपंचम, संपूर्ण ये जो प्रपंच है इसका फिर इसको जला दग्ध कर देता है। दग्ध करने का मतलब आपको बताया, इसको जानना है, पृथकीकरण करना, इसका सेवन करना है, इसका उपभोग करना, इसको सत्यवत स्थापित करना। अभी मन ने ही इसको क्या है, सत्यवत स्थापित किया है और मन ही इसके मिथ्यात्व का निश्चय भी करेगा। सत्य के समान स्थापित किसने किया, आगे आएगा यहीं, मन ने किया, तो इसको ये सत्य है, ये घोषणा किसने की है, मन ने की है, इसको कल्प करके कल्पित किया, इसको पहले क्या किया, पहले तो इसको रच दिया और फिर इस पे लेवल लगा दिया, क्या सत्य है, सत्य है, हैं, भगवान श्री कृष्ण की तरह काम करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है ना, पहले तो युक्ति बनाई, द्रोणाचार्य को कैसे मारा जाए, तो अश्वत्थामा मारा गया, युक्ति बना दी और फिर लेवल लगा दिया, मारा गया चिल्ला चिल्ला करके। तो वैसे ये मन भी करता है, क्या करता है, पहले जगत को रचता है और फिर कहता है सत्य है, ये सत्य है, सत्य है, तो सब कह सबके चित्त कह उठते हैं जगत सत्य है, क्या कह उठते हैं, ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम, ये कह उठता है मन। ये भी मन, ये भी निश्चय किसका है, मन का है, ये भी जो निश्चय है ये किसका है, कि ब्रह्म मिथ्या और जगत सत्यम। और वैसा ही ये दुष्ट मन का, दूषित मन का, वासना युक्त मन का ये निश्चय, और सात्विक मन का निश्चय क्या है, विशुद्ध मन का निश्चय है ब्रह्म सत्यम जगत। अभी आपने कौन सा निश्चय किया हुआ है, देख लो आप देख लो आपके मन अंदर कौन सा बैठा हुआ है, है कि सज्जन बैठा हुआ है, दुष्ट बैठा हुआ है, ये देख लो कि सुमति है या कुमति है, ये देख लीजिए। तो जो जगत को सत्य कहें वो क्या है, कुमति, कुमति, और जो ब्रह्म को सत्य कहे वो सुमति है, देख लीजिए, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या बताया, कुमति सुमति सब जय गुरु, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निदान। देख लो जहाँ करके कौन सी है, है? कि कुमति है या सुमति है,
देख लेना, समझ आ गया। तो इस तरह है ये मन रूपी जो अग्नि है क्या करता है, संपूर्ण विषयों का, इस जगत का रूप प्रपंच जो है इसको स्थापित करता है और इसको नाना रूप भेद भेद रूप से जानता है। इसको भेद रूप से जानना ही क्या है, इस प्रपंच का दहन करना है और विलय करना, वो आगे बढ़ता है। स्पष्ट हो गया, आगे देख लिया। नहियास्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता, मनो यह विद्या भवबन्ध हेतुः, तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम्, विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। नाहि अस्ति अविद्या मनसः अतिरिक्तः, मनः हि अविद्या भवबन्धहेतुः, तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं, विजृम्भते अस्मिन् सकलं विजृम्भते। क्या कह रहे, ही माने यस्मा है, जिस कारण से, क्या कह रहे हैं, जिस कारण से मनसः अतिरिक्ता अविद्या न अस्ति, मन के अलावा अविद्या नाम की कोई चीज आगे के स्पष्ट ही कर दिया है, मना ही अविद्या, ये जो मन है यही अविद्या है। मन क्या है, यही अविद्या है और मन के अतिरिक्त अविद्या नहीं, मन के अतिरिक्त अविद्या नहीं। जो विशुद्ध सच्चिदानंद मुक्त स्वरूप जो ब्रह्म है, स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म अपने स्वरूप की विस्मृति और उससे प्रकट हो जाता है संकल्प रूप ये वृत्ति, जिसका नाम पड़ गया मन। इसका नाम क्या पड़ गया, मन। सही ज्ञान नहीं होता है तो कुछ और ज्ञान हो जाता है। तो वैसे ही अपने जो सच्चिदानंद मुक्त व्यापक अद्वितीय आनंद घन जो अपना स्वरूप है, उसका जो विस्मृति है, अज्ञान है, उस अज्ञान से क्या हुआ, ये वृत्ति तरंग पूर्णा है, जिसका नाम चित्त पड़ गया, मन पड़ गया। तो ये अविद्या उस अज्ञान का कार्य भी कह देते हैं, और जो कार्य होता है वो कारण रूप ही, कारण जो है, कार्य जो है वो क्या होता है, कारण रूप ही। जैसे मिट्टी में गंध है, ऐसे ही मिट्टी का जो कार्य है घटा घट आदि है, उसमें भी क्या है, उसमें भी गंध है या नहीं है, उसमें भी गंध है। उसी प्रकार वो पार्थिव है जैसे मिट्टी है, तो कार्य जो है वो कारण से का ही रूप होता है, कारण के गुण धर्म उसमें क्या होते हैं, अनुगत होते हैं कारण। तो वैसे अविद्या, और अविद्या का कार्य क्या है, ये वृत्ति रूप मन, वृत्ति रूप मन ये अविद्या का कार्य है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया है, मना ही अविद्या अस्ति
और मनसः अतिरिक्ता अविद्या न अस्ति, मन के अतिरिक्त अविद्या नहीं, मन के अतिरिक्त अविद्या नहीं। इसलिए बारंबार हम बतलाते हैं ना, बारंबार विधि बतलाते हैं, बारंबार सीढ़ी बताते हैं आपको। आप गिर गए हैं और हम सीढ़ी लगाते हैं, और उस सीढ़ी पर आप चढ़ते जाइए तो क्या है, आप पहुंच जाते हैं ऊपर अपने स्वरूप। तो सीढ़ी बदला दी है ना, क्या सीढ़ी बदलाई है, सीढ़ी बदलाई है कि मन में जो वासना है विषयों की, जो आसक्ति है, जो राग है, सर्वप्रथम उनका परित्याग, विषयों के राग का क्या करें, परित्याग करें, समझ करके कि ये विषय बांधने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, जन्म जन्मांतरों तक विभिन्न योनियों में, शरीरों में, गर्भ में भटकाने वाले हैं। खूब अच्छे समझ ले, पूरा विज्ञान, पूरा विज्ञान कह रहे हैं कि विषय बंधनकारी, ऐसे थोड़ा बंधनकारी हो जाते हैं, विज्ञान समझो किस तरह बांधते हैं, इस जन्म में भी बांधते हैं और जन्म जन्मांतरों तक बांधते हैं। ऐसा बुद्धि में सुस्पष्ट हो जा रहे हैं कि ये विषय बंधन रूप है, बांधने वाले, बंधनकारी। तो सबसे प्रथम क्या करें, विषयों की आसक्ति का परित्याग करें। पहली पैड़ी ये होगी, पहली पैड़ी क्या होगी, उसके पश्चात ये जो दृश्य है द्वैत दृश्य, तो इस द्वैत दृश्य में ये जो मन है ये क्या करता है, सुख का अनुभव, देखने सुनने आदि, भले विषयों का सेवन नहीं कर रहा है, कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी द्वैत ऐसा बैठा हुआ है चित्त में कि क्या लगता है, प्रिय लगता है, केवल देखना देखना। इसके लिए हम बोलते हैं जगत मिथ्यात्व, दृश्य का मिथ्यापना, कि ये जो दृश्य है क्या है, मिथ्या है। उससे मन और ज्यादा अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। पहले मैला कुचैला था विषय सेवन, विषय आसक्ति से क्या हो गया था, मन बहुत मैला कुचैला गंदा क्या हो गया था, अत्यंत ही, जैसे वो मूर्ख होते हैं ना, पागल व्यक्ति जो अत्यंत मलिन होते, घृणित होते, पापिष्ट होते, वैसा हो गया। लेकिन इसको हमने क्या कर लिया है, सत्कर्मों से, विचार से क्या धो लिया, इसको स्नान कराया, क्या कराया, अच्छे कर्म है, स्नान की कराया इसको। तो स्नान करने से क्या हो गया, ये सारी राग आसक्ति छूट गई, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो। उसके पश्चात ये निर्मल तो जरूर हो गया है, लेकिन अभी विलीन नहीं हुआ, मन आपका क्या हो गया, वासना रहित हो गया, आसक्ति छूट गई, निर्मल तो हो गया है, तो मुक्ति का ही अनुभव करता है। फिर ये मन क्या अनुभव करता है, मुक्ति का, क्योंकि विषयों की आसक्ति नहीं रही तो मुक्त ही, तो मुक्त जैसा अनुभव करता है। लेकिन अभी इसका, इसकी सत्ता बनी हुई है, अस्तित्व बना हुआ है ये, तो फिर क्या करें, जो जिस दृश्य से के कारण से इसका अस्तित्व दृश्य से है और दृश्य का अस्तित्व इससे, बड़ा विचित्र काम है, दृष्टा से दृश्य है और दृश्य से दृष्टा, क्या दृष्टा से क्या है, देखने वाला है तभी दिखने वाला है, और दिखने वाला है इसी कारण से दृष्टा, देखने वाले यदि हो ही ना तो किसको देखूं मैं, अब घड़ा नहीं है मेरे सामने, घड़ा ना हो तो मैं घट का दृष्टा हुआ क्या, नहीं हुआ ना, और यदि घड़ा हो और मैं ना हूं देखने वाला तो घट दृश्य हुआ क्या, हुआ। तो दृश्य दृष्टा दोनों सापेक्ष,
क्या है सापेक्ष एक दूसरे से। तो वैसे ही ये जो दृश्य जगत है ये किससे है, मन से चित्त से है, और इस दृश्य जगत से क्या है, ये आपका चित्त है। तो जब दृश्य का मिथ्यात्व आप विचारेंगे और अनुभव आपको होगा, तो मन क्या है, मन भी अपना स्वरूप छोड़ करके क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक जो उसका स्वरूप है उसमें विलीन हो जाएगा। अपना बहुरूप या जो अपना रूप धारण किया हुआ है ना अलग से, उस रूप को छोड़ करके क्या हो जाएगा, उस व्यापक सत्ता में विलीन हो जाएगा। ये प्रक्रिया साधारण सी प्रक्रिया है ना, आसक्ति क्या त्याग का त्याग, फिर दृश्य जो है सारा का सारा विकल्पित है, मिथ्या है, स्वप्न के समान प्रतीति मात्र है। उसके पश्चात फिर देखा मन की कुछ रहा ही नहीं, जब खाने पीने को कुछ रहा ही नहीं, देखने को कुछ रहा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी अपने घर में जा कर के विलय को प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप में भी लीन हो जाता है, और कोई रहा नहीं ना। अब कोई दृश्य भिन्न सत्ता वाला कुछ रहा नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होता है, ये भी विलीन हो जाता है, अपने स्वरूप को छोड़ करके ब्रह्म रूप, ये स्थिति समझ आ गई। चलो जी यहीं पर देखो, तो मन के अतिरिक्त अविद्या ना अस्ति, अविद्या नाम कुछ नहीं, मन ही अविद्या है और मना ही अविद्या, स्पष्ट कह भी दिया, जोर दे रहे जोर, मन के अतिरिक्त अविद्या नहीं है। फिर आगे खुद ही कह दिया तो इसका मतलब ही क्या है कि मन के अतिरिक्त अविद्या नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि मन ही अविद्या है, लेकिन ये भी कह दिया है मना ही अविद्या, ये जो मन है ना यही अविद्या है और भवबंध है हेतु, कार्य बतला दिया इसका, इसका कार्य क्या है, बंधन का, संसार बंधन का हेतु, संसार बंधन का हेतु कारण यही मन रूपी अविद्या है। तो अब आप देखो कि फिर क्या है, ये विविध वासनाओं से युक्त होकर और विविध विषयों का की प्राप्ति, उनका संग्रह, उनका सेवन, उनके चिंतन में लगा रहता है और यही बंधन है इस जीव, यही क्या है, समझ आए। ये जो मन है क्या होता है, उत्पन्न होकर के विविध वासना से युक्त होकर विषय संग्रह, विषय सेवन, विषय उपलब्धि, विषय रक्षण, इनमें ही लगा रहता है, काम पा जाता है इसको, क्या होता है, काम मिल जाता है, इसी में लगा रहता है और रोता रहता है, यही काम है इसका, तो यही बंधन का हेतु मन ही क्या है, बंधन, मन रूपी अविद्या ही बंधन का, समझ आया, बंधन, बंधन भी आपने स्वयं आने दिया है, अब उसको अपने में से आपको स्वयं ही निकालना है, निकाल फेंको, पहले आपको तरीके बतलाई दिए हैं, फिर क्या, अविद्या, अविद्या नष्ट हो जाएगी, ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाएगी, पहले आपका मन मल विक्षेप तो छोड़ें, जो आसक्ति है विषयों की तो उसका तो परित्याग करें, जगत, फिर ज्ञान सुन करके जगत मिथ्यात्व का अनुभव और अपने साक्षी बने, ये किससे हो जाता है, ज्ञान से हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाता है, ये प्रक्रिया, ये क्या है, बंधन की प्रक्रिया भी बतला दी और मुक्ति की प्रक्रिया भी बतला दी। बंधन की प्रक्रिया क्या है, स्वरूप का अज्ञान, उससे
संकल्प रूप वृत्ति का जन्म जिसका नाम मन है, और मन में विविध वासना, विविध संकल्प, विविध संस्कार हैं, और उसके अनुसार उनकी के लिए कर्म करना, उनके प्राप्ति के लिए यतन करना, सेवन करना आदि, ऐसे तो बंधन को प्राप्त हो गया। मुक्ति कैसे होवे, तो वो आपको बतला दिया है कि अपने मन से समस्त विषयों की, दृश्य प्रपंच की जो आसक्ति है, सबसे पहले वो छोड़ दीजिए। सबसे पहले इसके छूटे बिना मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, कैसे हो? जब तक खूंटे से खुला नहीं है एक जगह से, तो दूसरी जगह पहुँचेगा कैसे? पहुँच जाएगा क्या? आसक्ति से हटे बिना, आसक्ति के गलित हुए बिना मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो वो केवल एक आपका चिंतन है, वो केवल आपकी भावना मात्र, संकल्प मात्र, उपासना भी उसको हम कह दी, कर्म कह दो या उपासना, लेकिन ज्ञान नहीं है ना। तो पहले क्या है? आसक्ति का त्याग, मुक्ति का साधन बता रहे, बंधन का बता दिया, मुक्ति का क्या है? सर्वप्रथम आसक्ति का त्याग, फिर दृश्य प्रपंच, सत्संग सुन करके, ज्ञान सुन करके, दृश्य प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय, फिर समस्त दृश्य का दृष्टा भी, और इसका मिथ्यात्व निश्चय करने वाला वो कौन है? मैं साक्षी। ये आपका जो मन है यही क्या हो जाएगा? यही साक्षी। ये जो मन है ये क्या है? दौड़ करके क्या बन जाएगी वृत्ति? साक्षी रूप से विराजमान हो जाएगा, अपना जो पहला स्वरूप था उसको छोड़ करके ब्रह्म रूप हो जाए। बोलते ना कि मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप पहचान, तो ज्योति ज्ञान स्वरूप है, तू तो अपना आत्मा ही है, अपने स्वरूप को पहचान। ये बात समझ आ गई? तो ये मन अविद्या ही भव बंध हेतु, इस जीव के संसार बंधन का कारण है। तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम्, और इस मन के नष्ट हो जाने पर क्या हो जाता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस मन रोज रोज देखते हैं ना, नित्य प्रलय जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नित्य प्रलय। क्या होते हैं? सुसुपति रोज क्या हो जाती है? नित्य प्रलय हो जाती है। आपका जो मन है सारे दृश्य प्रपंच से हट करके अविद्या अपने कारण में विलीन हो जाता है, तो मन के विलीन हो जाने से दृश्य प्रपंच है क्या? दृश्य प्रपंच है, शरीर है, हैं, बाकी इंद्रिया है, प्राण है, बाकी ये पेड़ पौधे सूर्य चंद्रमा दिन रात आदि आकाश भूमि पाताल ये सब कुछ है नहीं? तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम्, इस मन के विनष्ट हो जाने पर ज्ञान दृष्टि जी, मैं तो उदाहरण आपको दिया है सुसुपति का, वैसे ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान के द्वारा मन अपना जो ये लौकिक आविद्यक स्वरूप है उसको छोड़ करके क्या हो जाता है? विद्या ज्ञान आत्म स्वरूप हो जाता है। ये इसका नष्ट हो जाना, यही क्या है? यही नष्ट हो जाना। तो इसके नष्ट हो जाने पर मन के, जो मन दृश्य का विषय करता है, आसक्ति किए हुए है, इसके नष्ट हो जाने पर सकलम विनष्टम, संपूर्ण सबका सब दृश्य प्रपंच विनष्ट हो जाता। विजृंभते, अस्मिन् विजृंभते,
और इसके प्रकट होने पर सकलम विजृंभते, सबका सब क्या हो जाता है, सब प्रकट हो जाता है। हाँ, फिर क्या होता है, फिर सारा का सारा इस जगत को उसी रूप में अनुभव करता है ये मन। उसको अनुभव करने वाला, जगत को जानने वाला कौन है, ये मन ही है। मन से ही उत्पन्न, मन से ही स्थित और मन में ही विलय, और ये जो मन है ये मुझ आत्मा से ही उत्पन्न, मुझ आत्मा में ही स्थित होकर के उछल कूद करता है, और ज्ञान से मुझ आत्मा में विलय हो जाता है। बारंबार बताया है ना, क्या बताया है, चिदाकाश से प्रकट हो गया ये चित्ताकाश मन, और चित्ताकाश में कल्पित है भूतात्मा। ऐसा क्या, चिदाकाश में कल्पित चित्ताकाश, और चित्ताकाश में कल्पित सारे कल्पित कल्पित, जो यथार्थ है वो चिदाकाश, चिद आत्मा चेतन ब्रह्म वो क्या है, वो यथार्थ है, और उसमें चित्ताकाश कल्पित है, हैं, और चित्ताकाश में सारा भूताकाश कल्पित है। ये सब का सब समझाने के लिए हैं, वास्तव में कल्पित की कोई सत्ता नहीं होती है, और कल्पना करने वाला भी कोई हो गए ऐसा भी कोई नहीं है, कोई कल्पना करने वाला भी नहीं है कि मन की कल्पना करें। चलो जगत की कल्पना करने वाला तो कौन हो गया, मन हो गया, लेकिन मन की कल्पना करने वाला कौन है, हैं, तो कहते आत्मा है, हैं, तो आत्मा कैसे करें, तो ये समझाने के लिए है कि माया से अज्ञानियों को, जिज्ञासुओं को, जो बंधन का जगत का अनुभव करते हैं उनको समझाने के लिए है कि माया से आत्मा में आकल्पित हो गया मन, माया से आत्मा ने क्या किया, मन की कल्पना कर दी, और मन ने क्या कर दी, संपूर्ण जगत की कल्पना कर दी है? तो समझाने के लिए है, अन्यथा आत्मा क्या कल्पना करेगा है? कोई कल्पना है ही नहीं उसमें है? समस्त कल्पनाएं क्या है, गलित तो हो जाती है जिसमें, समस्त कल्पनाएं गलित, ऐसा ब्रह्म है। तो समझ आया कि मन के अतिरिक्त अविद्या ना अस्ति, अविद्या नहीं है, ये मन ही अविद्या है, क्योंकि अविद्या का कार्य है, है? तो दोनों क्या है, माँ बेटा है, माँ बेटे ने क्या कर दिया, सारे जगत को खा लिया है, रचा भी खुद और खा भी खुद रहे हैं, बड़ा विचित्र काम, ऐसा ही करता है ना, सारी दुनिया यही करती है, हैं, उगाते भी खुद है, खाते भी खुद है, बनाते भी खुद है, और खाते भी खुद है, ये चलता रहता है संसार। हाँ, तो कुछ नहीं है, कहने का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, और संसारी जो है सब कुछ माने रहता है, छोटी छोटी बातों के विचार करता रहता है, सत्य माने रहता है, शिकायत और प्रशंसा और निंदा और इनमें ही लगा रहता है, जबकि है कुछ भी नहीं, इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं, संसारी के लिए है, साधक के लिए भी है, बात ज्ञानी की है, साधक के लिए है, साधक के लिए सच्चरित्रता, सद आचरण, सद विचार परम आवश्यक है, है? लेकिन ज्ञानी के लिए क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सब के सब यूँ ही हो रहे हैं, हवा में हाथ पैर मारे जा रहे हैं, हवा में तैरा जा रहा है, हवा में तैरते हैं ना, हाँ वैसे हवा में ऐसे हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ नहीं, ये बतला दिया है। तो ये माँ बेटा है दोनों, माँ है इसकी अविद्या है, और बेटा है ये मन, दोनों एक ही है, एक ही थे ना, अलग तो अभी तो हुआ है, प्रकट हो गया, पहले किसके पेट में रखा हुआ है, जैसे माता के पेट में शिशु होता है,
तो क्या होता है, अलग अलग थोड़ा निमंत्रण दिया जाएगा, भोजन करना भाई पहले तो माँ खा लो फिर बेटा खा ले, ऐसे थोड़ा है। वो तो उस समय क्या है, दोनों एक ही, अलग नहीं है, फिर बाद में अलग होता है वो है। फिर जब उसका जन्म हो जाता है बाहर, तब तो वैसे ही अविद्या के गर्भ में मन बैठा हुआ है, ये मन बैठा हुआ है और वहीं से क्या है, खाता पीता रहता है, है? और फिर जब कुछ हो जाता है ना, फिर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, अलग जन्म हो जाता है, और फिर क्या है, कहता है मेरा तो अलग ही है सारा। फिर क्या है, कहते अविद्या अविद्या ध्यान भी नहीं रहती, माँ की ध्यान थोड़ा रहती है फिर, है तो माँ का ध्यान नहीं है ना, जैसे ही अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो फिर माँ वहाँ से भी कोई मतलब नहीं, और माँ की माँ से तो फिर मतलब ही क्या है, नानी से तो मतलब ही क्या रह गया है। इस अविद्या की माँ क्या है, इस अविद्या की माँ हो गई विद्या ही, विद्या में कल्पित है ना, या विद्या तो नानी हो गई, तो विद्या में अविद्या कल्पित और अविद्या का शिशु क्या हुआ, ये मन है, और बस ये किया हुआ है सारा प्रपंच खड़ा किया हुआ, रोता रहता है, कभी रो देता है, कभी हंस जाता है, हैं, फिर रात को अपनी माँ की गोद में जाकर सो जाता है, रोज का काम यही है। इस मन का काम क्या है, हैं, सारा खेल रचा, कभी रोने लगता है अनुकूल हो गया, अब कभी नहीं अनुकूल हो गया तो हंसने लगता है, और प्रतिकूल हुआ तो रोने लगता है, और रो करके थक जाता है, और हंस करके थक जाता है, तो अपनी माँ की गोद में जाके सो जाता है, अविद्या में विलीन हो जाता है। और जब इन सारे से ही थक जाए पूरी तरह विवेक पूर्वक विचार पूर्वक, तब अपने स्वरूप में जाए, वहाँ पर जगना हुआ, क्या हुआ, अविद्या में सोना और दृश्य स्वप्न को देखना, सुसुप्ति में देखता है ना स्वप्न, अविद्या में सोता है और ये जगत रूपी स्वप्न को देखता है, और जब विद्या में जग जाता है तो फिर क्या है, ना कहीं सुसुपति और ना कहीं सुसुपति दोष से उत्पन्न होने वाला स्वप्न कहीं है नहीं है, तो फिर ये जग जाता है अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। यही मन ही अविद्या है, संसार बंधन का हेतु है, और इसके नष्ट हो जाने पर मन के सकलम विनष्टम, सब कुछ नष्ट हो जाता है, और इसके प्रकट हो जाने पर सब कुछ पुनः प्रकट हो जाता है। ऐसे मन की सामर्थ्य है। अगले वाला श्लोक भी देख लीजिए, समय थोड़ा रह गया, क्या देख पाएंगे, हमें तो हो ही गया है, तो कल ही देखना पड़ेगा। ये स्पष्ट हो गया आपके, हाँ, स्वरूप समझ लीजिए मनोमय कोश, और ये बतलाएंगे कि ये भी क्या है, विकार है पंचभूतों, ये भी दृश्य है, ये भी अनात्मा है, और ये भी चेतनवत प्रतीत होता है जड़ ही, जैसे शरीर जड़ है और आत्म चेतना से क्या होता है, चेतनावान बना हुआ है शरीर, वैसे ये मन भी जड़ है, दृश्य है, पर प्रकाश्य है, और अनात्मा है, और विकारी है, परिवर्तनशील है, उत्पत्ति और विनष्ट हो जाने वाला है, ये भी आत्मा नहीं है, ये बतलाएंगे। और पीछे तो बता दिया है, तो साथ साथ बुद्धि में रखते जाइए, अन्नमय कोश, ये स्थूल जो भांड है, बर्तन, स्थूल शरीर, तो ये बर्तन है, हड्डी मांस आदि से लिपा हुआ, ये मैं आत्मा नहीं। प्राणमय कोश, वायु, विकार, जड़, दृश्य, परप्रकाश्य, विकारी, ये भी मैं आत्मा नहीं। प्राणमय कोश, वो पांच ज्ञानेंद्रिया, वो पांच कर्मेंद्रिया, और
प्राण मुख्य प्राण उसका समूह है, ये प्राणमय कोष में नहीं, मनोमय कोष का स्वरूप बदला दिया है आपको, है ना। ज्ञानेन्द्रिया और ये जो संकल्प रूप वृत्ति वाला मन, इनको क्या कहते हैं, मनोमय कोष कहते हैं। मैं मेरे आदि व्यवहार का विकल्प का ये हेतु है, बड़ा बलवान है और अपने पूर्व वाले कोषों को व्याप्त करके स्थित रहता है। पांच ज्ञानेन्द्रियों रूपी होताओं के द्वारा विषयों की आहुति डाले जाने से वृद्धि को प्राप्त होकर वासना रूपी ईंधन से प्रकट होता है और विषय रूपी आहुति के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होकर संपूर्ण दृश्य जगत का क्या करता है, अनुभव करता है। दहती का मतलब यहाँ पर लगा लेना है अनुभव के लिए या सेवन के लिए, है ना, या उसका ज्ञान करता है, उसको जानता है। वैसे सुंदर अर्थ जो लगता है वो अनुभव लगता है, है? क्या लगता है कि संपूर्ण जगत प्रपंच का अनुभव करता है ये मन। उसके पश्चात बता दी आपको बड़े ही ज्ञान की बात कि मन के अतिरिक्त अविद्या नास्ति, नहीं है, ये मन रूप अविद्या ही भवबंधन का हेतु है, ठीक है। इसलिए इसको रोटी पानी मत दो, से क्या होगा, विषय सेवन ना दिया जाए, विषय चिंतन, विषय सेवन, विषय रक्षण, विषय संग्रह, विषय प्राप्ति, ये ना किया जाए तो क्या हो जाता है, ये शांत सात्विक होता चला जाता है। जैसे सात्विक भोजन करते कोई व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा खाता है तो कहते शरीर में क्या भर गए, हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, टॉक्सिन भर गए, तो फिर उसको कहते सात्विक भोजन करो। क्या करो, केवल फल सलाद और हरी सब्जियां और सादे भोजन करो, खिचड़ी दाल आदि, तो उससे क्या होते हैं, शरीर के सब टॉक्सिन निकल जाते हैं, शरीर निर्मल हो जाता। तो वैसे मन में जो है रजोगुण तमोगुण से विकार चंचलता है ये भर गए हैं, तो सात्विक आहार सदग्रंथों का स्वाध्याय चिंतन सत्संग सत्कर्म, इनके द्वारा जो मलिन था मन, गंदा था, वो क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो फिर अपने साक्षी रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, साक्षी स्वरूप में विराजमान हो जाता है आत्मचिंतन करके। तो ये बतला दिया है कि यही संसार बंधन का हेतु है और इसके नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारा दृश्य प्रपंच, क्योंकि प्रकट इसी से, जानने वाला यही है, जब हैं इसी से उत्पन्न होकर इसी से स्फुरित हो रहा है, सत्ता पाता है, महत्ता पाता है इसी के द्वारा। तो इसके द्वारा नष्ट, इसके नष्ट हो जाने से ये जगत भी नष्ट हो जाता है और इसके क्या है, प्रकट होने से सारा का सारा सकलम विजृंभते, सारा का सारा दृश्य प्रपंच प्रकट हो जाता है, भासने लगता है। ये विज्ञान है, ये क्या है, कितना सुंदर विज्ञान, जबरदस्त है ना, इतना सुंदर विज्ञान है। तो इसको विचार विचारिए, क्या करिए, विचारिए, निरंतर विचार कीजिए, निश्चय कर लीजिए, तो फिर तो बस अपना आत्मा ही शेष है। बाकी का विचार ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ